हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग वीडियो को एंड तक देखना, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, अब्दुल गफ्फार खान को, अब्दुल कलाम को? बताओ, यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है आप लोगों को। बताओ क्या होगा सही आंसर। तो गाइज, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब किसको जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाने कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1961 में, 1962 में, 1964 में, 1984 में? बताओ। तो पहली बार जो आपातकाल है भारत में कब घोषित किया गया था, तो वो 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताओ, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? बताओ क्या होगा। तो गए, जो राज्यसभा के सदस्य है ना, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी लोग। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? बताओ, यानी भारत के किस राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक है, यानी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक ही पूछा है। तो जो बिहार है उसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। रणथंभौर चीता शयन स्थल कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में? बताओ, जो रणथंभौर चीता शयन स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रख के चलना है। और आपको सभी को अपना अपना स्टेट बताना है कि आपको किस राज्य से हो। ठीक है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? बताओ, लोहा, निकिल, तांबा, अभ्रक? यानी जो भारत है किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, तो जो लोहा है इसके उत्पादन में भारत अपना आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 12, 15, 18, 10? जो न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ये पूछा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 15 है। कितनी है? 15 है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता है? गोल्फ, चतुरंगा, पोलो, सहसा? बताओ, तो जो शतरंज है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं चतुरंगा। ठीक है, तो मुझे ये बताना कि जो शतरंज है ना, इसमें कितने खाने बने हुए होते हैं? ठीक है, कितने खाने बने हुए होते हैं ये कमेंट करके बताना है सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, कटक में? बताओ, जो दलहन शोध संस्थान है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके स्थित है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना के सहारा लिया गया था? किप्स योजना, नीति आयोग, माउंट बेंटन योजना? ठीक है, बताओ, ये तीन में से आंसर बताओ क्या होगा। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा माउंट बेंटन योजना का सहारा लिया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, सूरत? जो भारत है उसका सबसे महंगा शहर पूछा है, मतलब सिटी पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई। कौन सा शहर? मुंबई है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? चीन, थाईलैंड, जापान? बताओ, तीन में से बता दो। जो विश्व का पहला, यानी नोट, हम जो नोट छापते हैं, सिक्के छापते हैं, तो सबसे पहले किस देश ने ये छापे थे ये पूछा है, तो ये हो जाएगा चीन ने। किस देश ने? चीन ने छापे थे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर रेगुलर आपको जीके की क्लास 6 बजे शाम को देखने को मिलती है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है,
विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्रीमती इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, एस बंदा नायके, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसका हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उस नदी का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है। बताओ ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर हड़प्पा जो सभ्यता थी वो स्थित थी। गंगा नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, अमेजन नदी, बताओ। तो इसका हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और यानी उपभोक्ता देश कौन सा है। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, बताओ। चौथा आपका होगा मलेशिया। तो इसका मार्क क्या हो जाएगा, जिसको पता है तो जल्दी से बता दो। तो इसका आंसर भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। तो भारत ऐसा देश है जो चाय, काली चाय का उत्पादन भी करता है और उपयोग भी करता है, यानी उपभोग भी करता है मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस सन में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। 1846, 1843, 1869, 1886। तो इसका माय सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1843, ठीक है, ईस्वी हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस है जगह का प्रसिद्ध नृत्य इंडिया है। गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का। तो इसका हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है। कैपलर, कार्पनिकस, आयबत, न्यूटन, बताओ। जो आपकी सौर प्रणाली है इसके खोजकर्ता कौन थे ये पूछा है, तो जिसको भी सही आंसर पता है तो बता दो। तो हमारा इसका हो जाएगा कार्पनिकस, क्या हो जाएगा, कार्पनिकस सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 100 रुपए के नोट के पीछे कौन सा ऐतिहासिक स्थल है। ताजमहल, हम्पी, रावी का वाव, सांची स्तूप। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ। तो गाइस इसका माय आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी का वाव, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मरीना बीच बंद भारत के किस राज्य का समुद्री तट है। तमिलनाडु, गुजरात, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो गाइज आज हमने आपको कितने पूरे 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। और आपको वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।